गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ प्रीतु सिंह, योर इंग्लिश टीचर। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमारी 3 महीने तक क्लासेस काफ़ी सक्सेसफुल चली, लेकिन अचानक गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से हमें वापस से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ रही है। तो इस क्लासेस में हम जितना भी हमारा क्लासेस ऑफलाइन कंप्लीट हुआ था, उसके आगे का पोर्शन मैं आपको भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। जिसके पास भी जिस भी स्टूडेंट्स छुट्टी की वजह से या किसी अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करने की वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए मैं लेसन नंबर 6, 7 और 8 का मटेरियल एक साथ सेंड कर दूंगी। तो आप लोग उसमें से कंप्लीट कर लीजिएगा क्या कॉपी में लिखना है और उसको क्या बुक में फिल करना है। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में हमारा न्यू चैप्टर लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। बट जैसे कि आप जानते हैं, हर यूनिट में एक लेसन और एक पोएम आपको बताई गई रहती है। तो यहाँ पर हम लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। द टॉपिक इज द एनिमल वर्ल्ड। ओके, द एनिमल वर्ल्ड इट मीन्स हम देखते हैं हमारे आसपास जानवरों की भी एक दुनिया होती है। वो अपने आप में एक फैमिली की तरह रहते हैं, जैसे कि हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उन्हें भी हर एक फीलिंग फील होती है, वो भी हमारी तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, हमारी तरह खाना खाते हैं, हमारी तरह सांस लेते हैं, ठीक है। डियर रीडर, कम लेट अस लर्न सम इंटरेस्टिंग एंड फन थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड्स ऑफ एनिमल। हैप्पी रीडिंग। सो इस यूनिट में हम एक लेसन पढ़ रहे हैं, द नेम ऑफ द लेसन इज अ विजिट टू द फार्म। ओके, एक विजिट फार्म है, फार्म इट मीन्स जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, उसके लिए हम विजिट करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि उस फार्म में हम क्या क्या देखते हैं। क्लास फर्स्ट, बुक बी, द लेसन नंबर 9, द नेम इज अ विजिट टू द फार्म। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ फार्म। ओके, इन पेज नंबर 52 यू हैव दिस एक्सरसाइज टू सॉल्व इन दिस बुक। रीड द नेम्स ऑफ एनिमल, टिक राइट ऑन वंस दैट यू सी इन द पिक्चर। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आपको बुक में ही फिल करना है। यू शुड फर्स्ट टू सी दिस पिक्चर। आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर, टिक द नेम। जो भी आपको इस पिक्चर में नेम्स दिख रहे हैं, वो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ शो देखने हैं और यहाँ पर आपको टिक करने हैं। Now come to the page number 53, Reading Junction. Tony and Tina, there are two characters of in this story. ये इस स्टोरी के मेन टू कैरेक्टर्स हैं, आर गोइंग टू देयर grandpa's. Grandpa's means उनके दादाजी के फार्म को देखने टोनी और टीना जा रहे हैं। वी आर ऑन आर वे टू grandpa's फार्म। टोनी कहता है कि हम अपने दादाजी के फार्म के रास्ते में हैं। वे यानी रास्ता। grandpa वेलकम them विथ ओपन arms। grandpa, ही इज grandpa। टोनी और टीना के दादाजी हैं ये। इन्होंने बहुत ही खुशी से दोनों बाहें फैलाकर अपने बच्चों का स्वागत किया। वेलकम लिटिल वंस, क्या बोला उन्हें? वेलकम लिटिल वंस, हेलो। अब टोनी क्या ग्रीट कर रहा है उन्हें? ग्रीट यानी किसी का अभिवादन करना, यानी किसी को प्यार से बोलना या उन्हें नमस्कार करना कि हेलो ग्रैंडपा। वेयर आर ऑल द एनिमल्स, सारे एनिमल्स कहाँ हैं? वी वॉन्ट टू मीट दैम, हम उनसे मिलना चाहते हैं। यू विल मीट दैम सून, दादाजी ने कहा कि तुम उनसे बहुत जल्दी मिलोगे। आई हैव अ सरप्राइज। सरप्राइज यानी जिसे आप जो आपको नहीं पता और आपके लिए कोई अलग से ऑर्गेनाइज करता है, वो होता है सरप्राइज फॉर यू टू। रूबी जस्ट डिलीवर अ लीटर ऑफ पर्प्स, है ना। रूबी एक और पर्सन है, मतलब वहाँ पर जो एनिमल्स हैं सभी के नेम रखे हुए हैं। आपके घर पे भी जो पैट एनिमल्स होते हैं उनके आप नेम्स रखते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रूबी जस्ट डिलीवर अ लीटर ऑफ पर्प्स, यानी कि उसने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है। टीना, लुक एट द पप्स, दे आर सो क्यूट। तो टोनू क्या बोलता है कि टीना देखो देखो उधर देखो, ये रहे पप्स, कितने क्यूट है ना। फर्स्ट कम इनसाइड,
वॉश योर हैंड्स एंड ईट समथिंग। दादाजी ने कहा कि नहीं, पहले अंदर आओ, अपने हाथ धो और कुछ खाना खाओ। ग्रैंडमा हैज मेड सम यमी सैंडविचेस। हु इज ग्रैंडमा? ग्रैंडमा इज अ ग्रैंडपास वाइफ। ओके, यानी कि दादी जी को हम ग्रैंडमा कहते हैं। तो दादाजी ने कहा कि ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए यम्मी सैंडविचेस बनाए। व्हाट इज़ द सैंडविच? सैंडविच इट्स द ईटिंग थिंग ना, खाने की एक चीज़ होती है जिसे हम ब्रेड से बनाते हैं। विथ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड एग्स फ्रॉम द फार्म, जो कि फार्म के फ्रेश वेजिटेबल और एग से बना हुआ है। देयर इज़ अ फ्रेश मिल्क टू, तुम्हारे पीने के लिए फ्रेश मिल्क भी है। यानी कि जो फार्म्स वगैरह यूज़ करते हैं उनके पास एनिमल्स वगैरह भी होते हैं, तो एनिमल्स से उन्हें वेजिटेबल्स की भी कोई इशू नहीं होती, दूध और अंडों की भी उन्हें कोई इशू नहीं होती है। तो दादाजी उन्हें कहते हैं कि पहले फ्रेश फ्रेश चीज़ें खाओ, उसके बाद फिर हम सबसे मिलेंगे। टीना क्या रिप्लाई कर रही है? यमी, I am hungry. What is the meaning of hungry? Hungry का मीनिंग होता है भूखा। उसने कहा कि हाँ, मुझे भूख लगी है। टीना एंड हर ब्रदर हैव ब्रेकफास्ट। टीना और उसके ब्रदर ने ब्रेकफास्ट किया। देन दे गो आउट ऑन द फार्म, और उसके बाद वो फार्म के लिए निकल गए। लुक देयर, टोनी क्या बोल रहा है? ये टोनी की डायलॉग डिलीवरी है। ओके, टोनी, लुक देयर टीना, द हैन एंड हर लिटिल चिक्स। व्हाट इज द चिक्स? जो ये हैन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, चूजे जिसे हिंदी में कहते हैं, उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है चिक्स। चिक्स आर सिटिंग टुगेदर। टोनी कहता है कि टीना देखो, ये जो चिक्स हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं। ग्रैंडपा, कम हियर चिल्ड्रन, हेल्प मी कलेक्ट द एग्स। मेरे पास आओ और एग्स को, एग यानी अंडे कलेक्ट करने में हेल्प करो। ग्रैंडपा, आई वॉन्ट टू सी हाउ यू विल द मिल्क द काउ। आई वॉन्ट टू सी हाउ यू मिल्क द काउ। यानी वो पूछता है टोनी ग्रैंडपा से कि मुझे देखना है, या मैं देखना चाहता हूँ कि आप मिल्क कैसे निकालते हैं। श्योर टोनी, बट फॉर दैट यू विल हैव टू वेक अप अर्ली। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम देख सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें सुबह सुबह उठना पड़ेगा। क्यों उठना पड़ेगा? बिकॉज क्या होता है ना, आप लोग भी जानते हैं, गांव में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गाय लगाई जाती है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल देख सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। गोपाल कम्स एट 5 इन द मॉर्निंग टू मिल्क द काउ। गोपाल सुबह जल्दी आता है और सुबह 5 बजे मिल्क निकालता है। ओह, दैट इज़ टू अर्ली, बट प्लीज़ वेक मी अप ग्रैंडपा। टोनी ने कहा कि अच्छा, ये तो बहुत जल्दी है, पर फिर भी आप मुझे जल्दी से उठा देना। तो ग्रैंडपा क्या कहते हैं? श्योर, श्योर मीन्स बिल्कुल टोनी। द किड्स मीट द काउ, द पिग एंड द हॉर्स। अभी जो किड्स हैं, टीना और टोनी हैं, ये किससे मिले? काउ से मिले, पिग्स को देखा और हॉर्स को देखा। हाय मिल्की, ये जो काउ है ना, उसका नाम क्या है? मिल्की। हाउ आर यू, तुम कैसी हो? तो जो काउ है वो इनको रिप्लाई करती है मू। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ काउ? मू, MOO, मू। हियर वी हैव द रोस्टर गोइंग कॉकडूलडू, है ना। रोस्टर का मतलब होता है मुर्गा। जो सुबह सुबह बाग देता है ना, उसे हम रोस्टर कहते हैं। तो रोस्टर कैसे बोलता है? कॉक अ डूडल डू। चिल्ड्रंस लिसन टू पिकिंग पिंकी, शी सेज ऑइन कॉइन कॉइन शी एज शी रोज इन द मर्ड। मर्ड का मीन्स होता है मिट्टी, और पिंकी किसका नाम है यहाँ पर? इस पिग का नाम है। तो दादाजी बोलते हैं कि लिसन चिल्ड्रन, देखो पिंकी क्या बोल रही है। तो पिंकी का साउंड कैसा है? नॉइक नॉइक नॉइक। ओके, और ये जो मर्ड है, मिट्टी है, मिट्टी में अपने तीनों लिटिल लिटिल पिगलेट्स के साथ, पिग के बच्चे को क्या कहते हैं? पिगलेट्स। अपने पिगलेट्स के साथ आराम से खेल रही है।
ग्राइंडर इज यूज टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट थिंग्स राइट ग्रैंडपा ग्राइंडर ये जो हॉर्स है ना इसका नाम है ग्राइंडर तो टीना अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्राइंडर का यूज़ यानी उसका उपयोग हम क्यों करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए और चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए घोड़ा गाड़ी और गधा वगैरह आपने देखा होगा ना तो यहाँ पर ये उसी की तरह है यू आर राइट टीना वी यूज हिम टू पुल कार्ट्स that carry egg, wool and vegetables to the market. तुमने बिल्कुल सही कहा टीना हम इसका यूज़ कैरी करने के लिए यानी कि eggs को एक जगह से दूसरी जगह wool, vegetables को पहुँचाने के लिए मार्केट तक इनका यूज़ करते हैं There is doodle, the duck. ग्रैंडपा ने कहा कि ये डूडल है और ये डक है लुक शी इज़ अ वैडलिंग टूवर्ड वैडलिंग यानी पानी में जो चलने की उनकी तरीका होता है ना उसे इंग्लिश में कहते हैं वैडलिंग टूवर्ड्स बतख जो होते हैं ना वो हमेशा एक दूसरे के पीछे बिल्कुल लाइन से चलते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ वैडलिंग वैडलिंग टूवर्ड्स टू यू विथ हर डकलिंग्स डकलिंग डक अपने बच्चों डक के बच्चों को क्या कहा जाता है इंग्लिश में डकलिंग्स You can thank her for the egg sandwiches. तुम्हें इन्हें thanks बोलना चाहिए क्योंकि जो sandwich तुमने खाए वो इनके अंडों से बने थे Grandpa, where are the ship? Tony पूछता है कि Grandpa ships कहाँ हैं They are with the shearer. Shearer यानी कि जो उनके wool, यानी कि उनके ऊन को बाहर निकालते हैं वो shearer होते हैं He is shearing the wool. और वो उनके wool को निकाल रहे हैं Shearing एक process होती है जब हम sheep के बालों को निकालते हैं उनके fur को निकालते हैं वो process English में shearing कहलाती है Grandpa and the kids then go from a ride on the tractor. They sing along and have a lot of fun. अब क्या होता है कि वो वहाँ से और ज़्यादा जानवरों को देखने के लिए ट्रैक्टर देखा है ना ऐसा जो होता है ट्रैक्टर में बैठ के वहाँ से निकल देते हैं और मस्त गाना गाने लग जाते हैं टोनी टीना एंड Grandpa sing a song together. वो कौन सा गाना गाते हैं So rumble to the top and tumble on the ground, hop around a little or go round and round, jump and hop, clap and tap. We are all having fun as we sing this song. Say bow bow, meow meow and quack quack meku moo. Sing a cock, creep, creep, cock a doodle doo. ओके सो इस साउंड की हेल्प से आप लोगों को भी इस पोयम को लर्न करना है हैव अ गुड डे आई होप ये लेसन आपको क्लियरली समझ में आया हो घर पे पेरेंट्स की हेल्प से आपको इस लेसन को रीड करना है और इस पोयम को भी लर्न करना है हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स बी केयरफुल योर स्टडीज स्टे होम एंड स्टे सेफ गुड बाय